राइट टू हेल्थ बिल को लेकर पिछले काफी दिनों से विवाद बना हुआ है। डॉक्टर्स हड़ताल पर है और अस्पतालों पर ताले लटके हुए हैं, जिसके चलते मरीज खासा परेशान हो रहे हैं। इन सब के बीच आज एक राहत भरी खबर आई है। दरअसल रेसिडेंट डॉक्टर्स ने आज से आंदोलन खत्म कर वापस काम पर लौटने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही आज से रेसिडेंट डॉक्टर्स काम पर लौट गए हैं और हॉस्पिटल में ओपीडी, आईपीडी और अन्य सर्विसेज संभाल ली है। एक तरफ जहां आम जनता के लिए ये राहत भरी खबर है, तो वहीं दूसरी ओर रेसिडेंट्स के इस ऐलान से प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक और दूसरे डॉक्टर्स के आंदोलन को बड़ा झटका लगा है। जयपुर रेजिडेंट्स डॉक्टर्स की एसोसिएशन जोड़ में इस निर्णय को लेकर दोफार की स्थिति बन गई है। जहां एक गुट ने काम पर लौटने का फैसला किया है, तो वहीं एसएमएस हॉस्पिटल के आरडी हॉस्टल के रेजिडेंट्स ने हड़ताल को जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए बकायदा इन डॉक्टर्स की ओर से एक संघर्ष समिति बनाने का ऐलान भी किया गया है। आपको बता दें कि आंदोलन खत्म करने का ऐलान करने वाले रेजिडेंट्स कुछ बिंदुओं पर सहमत हुए हैं, जिनमें सीनियर रेजिडेंट्स को वर्तमान वेतन में डीए के साथ हाउस रेंट अलाउंस दिए जाने के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाया जाना शामिल है। तो वहीं साल 2020 के बाद प्रवेश लेने वाले रेजिडेंट्स के लिए जारी बॉन्ड पॉलिसी के तहत सीनियर रेजिडेंट्स अलॉटमेंट प्रक्रिया की प्रभावी नीति बनाने के लिए रेजिडेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों को भी शामिल किए जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही वर्तमान में जिन रेजिडेंट्स डॉक्टर्स ने पिछले दिनों हड़ताल के कारण छुट्टी की, उसे डे ऑफ या फिर राजकीय अवकाश में शामिल कर उनके वेतन की कटौती नहीं किए जाने की मांग भी रखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।